प्रहार टीवी सत्यमेव व्रतम। महाराष्ट्र के चर्चित शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर आए दिन अपने कारनामों की वजह से चर्चा में रहते हैं। पंढरपुर में आए उनके कार्यकर्ताओं ने शराब के नशे में विश्राम गृह में कमरा नंबर देने वाले कर्मचारी को मारपीट करने का आरोप लगाया है। पंढरपुर में रोज भगवान पांडुरंग के दर्शन के लिए भक्तों के साथ साथ राजकीय नेता और उनके कार्यकर्ता आते हैं। बहुत बार ये लोग सरकारी विश्राम गृह में रहते हैं। कुछ कार्यकर्ता विश्राम गृह में रूम बुक किए बिना ही रहने की जिद करते हैं। ऐसी एक घटना पंढरपुर के विश्राम गृह में घटी है। हिंगोली जिले के कल मनोरी विधानसभा के विधायक संतोष बांगर के कार्यकर्ता दर्शन के लिए पंढरपुर आए। सरकारी विश्राम गृह में इन कार्यकर्ताओं ने रहने के लिए एक कमरा मांगा, लेकिन कमरा का आरक्षण न होने के कारण कर्मचारी ने कमरा से मना कर दिया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कर्मचारी की ही पिटाई की। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी इस मामले में एक होकर आंदोलन कर रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आंदोलनकर्ता कर्मचारियों का कहना है, गरीब कर्मचारी को मारपीट करने का अधिकार किसने दिया? खबर लिखने तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं किया गया। रोल एमएलए संतोष बांगर जी के कार्यकर्ते आए थे, मेरे को पेटा। क्यों? रूम मांग रहे थे उन्हें। हाँ। मैं बोला कि उनको बुकिंग करो। हाँ। बुकिंग इधर रूम बुकिंग था। हाँ। इसलिए बुकिंग उनका नहीं था। हाँ। इसलिए मेरे को मारहाण किया। कल सोलापुर जिले में पंढरपुर के रेस्ट हाउस में कुछ आमदारों के कार्यकर्ता ने रात में आके रेस्ट हाउस के लिए उन्होंने मांगा। जब उनके पास पास नहीं था, रिजर्वेशन नहीं था, तो वहाँ के चौकीदार ने रिजर्वेशन की मांग की। तो दारू के नशे में जो कार्यकर्ता थे वो आमदार का नाम लेके गाली गलौज करके उसको मारपीट की और रूम देने नहीं देने की वजह से उसको बहुत मारपीट करके भाग के चले गए। फिर बाद में उसकी ना ऑफिस ने उसके बारे में सोचा, ना कोई किसी यंत्रणा ने सोचा। हम अपील करते हैं कि आमदार महोदय, यदि आपके खिलाफ कोई काम नहीं करते तो आपको विशेष अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन आपको और आपके कार्यकर्ता को, किसी गरीब कर्मचारी को मारने का अधिकार किसने दिया? कानून ये आपको कोई भी ऐसी सहूलत नहीं देता है कि हम आमदार हैं, हमारे कार्यकर्ता कहाँ भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। कानून के दायरे में रहेंगे, सबको काम करना है। आप अपने कार्यकर्ता को समझाओ, यदि हमारा कोई कर्मचारी काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ शिकायत करने की आपको पूरा अधिकार है। आप उसके खिलाफ जाके उसके अधिकारी के पास आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की बजाय आपके कार्यकर्ता आके मारपीट करना, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगी और संगठन इसके खिलाफ आवाज उठाई। बोलो आमदार भांगर है, उनके कार्यकर्ता यहाँ पे आके पंढरपुर में उन्होंने मारपीट की है।